रणवीर कपूर से ब्रेकअप पर बोली कैटरीना कैफ, कही दिल तोड़ने वाली बात। कैटरीना कैफ ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने टूटे दिल के बिखरे हुए टुकड़ों को दो बार इकट्ठा किया, पहली बार सलमान खान के साथ तो दूसरी बार रणवीर कपूर के साथ। कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर को अलग हुए 2 साल हो चुके हैं, उन्होंने अब तक अपने ब्रेकअप के बारे में बात नहीं की। कैटरीना कैफ की निजी जिंदगी के बारे में सभी जानते हैं, सलमान खान और रणवीर कपूर के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते अभी भी खबर में हैं। हम सबसे ये छिपा नहीं कि उन्होंने अपने टूटे हुए दिल के बिखरे हुए टुकड़ों को 2 बार इकट्ठा किया है। एल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में कैटरीना कैफ ने अपने दिल का हाल बताया, जहां उन्होंने अपने काम, व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं कहूंगी कि मेरा जीवन 80% काम और 20% व्यक्तिगत केंद्रित है, लेकिन ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। अब बहुत काम हो रहा है, मैं इसे एक अच्छी चीज के रूप में लेती हूँ। जब मेरा निजी जीवन खत्म हो गया तो ये मेरे नियंत्रण में नहीं था। कैटरीना आगे कहती है, जानना मुश्किल है कि वास्तव में चीजें क्यों हुई, लेकिन मेरा इस पर अलग विचार है। ठीक है, ये ब्रेकअप बेकार है, ये भयंकर है, ये दुनिया की सबसे बुरी चीज है। मेरा जीवन मानो खत्म हो गया था। इस पर बैठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी विश्वास करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में अपने भगवान, अपने ब्रह्मांड पर विश्वास करते हो तो आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। मुझे कहना चाहिए, क्योंकि कुछ युवा लड़कियां जो शायद मुझे सुन रही हैं, उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जो उनकी मदद करे। वो एक व्यक्ति को देख सकती है और सोच सकती है कि ओ, वो ऐसे संघर्ष नहीं कर रही है जैसे मैं कर रही हूँ। आप जानते हैं कि हर कोई संघर्ष करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सीखना है, हम सभी अपने डर और असुरक्षा के बावजूद काम करने और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दिन नहीं उठते हैं तो पता चलता है कि ये सब हो गया, आपको इसके आगे बढ़ना होगा। जग्गा जासूस की शूटिंग के दौरान कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर का ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह अभी तक नहीं पता। फिलहाल रणवीर कपूर आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैटरीना विक्की कौशल को डेट कर रही हैं। कैटरीना अगली बार रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में नजर आएंगी, जिसमें अक्षय कुमार भी मुख्य भूमिका में है। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।